Hello friends, this is Khayati Sethi. Welcome to your own YouTube channel Satguru Institute. I hope you all fine. So friends, aaj hum poetry section ki fourth poem RAZIA the Tigress ke kuch important question answers karenge. Last video mein humne fourth poem RAZIA the Tigress ko complete kar liya tha. Isse pehle humne main course book ke four chapters kar liye. Lesson 1 The Happy Prince, Lesson 2 Where is Science Taking Us, Lesson 3 Secret of Happiness and Lesson 4 The Gift for Christmas. In 4 chapters ke question answers bhi humne kar liye hain. Iske ilawa poetry section ki 4 poems kar li hain. Poem 1 Character of a Happy Man, Poem 2 Death the Leveler, Poem 3 A Ballad of Sir Pratap Singh and Poem 4 RAZIA the Tigress. First 3 poems ke question answers bhi humne kar liye hain. Fourth poem ke question answers aaj hum kar lenge. So friends, जिन्होंने अभी तक चैप्टर्स और पोइम्स नहीं किए हैं वो कर लीजिए. लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसके अलावा चैप्टर्स की इंग्लिश प्रो सेक्शन नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, पोइम की इंग्लिश पोएट्री सेक्शन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और क्वेश्चन आंसर्स की क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ऑल चैप्टर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है. इन तीनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पॉइंट RAZIA the Tigress के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट होगी. सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए. अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो. सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ समरी ऑफ द पोएम RAZIA the Tigress. RAZIA the Tigress पोएम की हमें समरी लिखनी है. तो इसका आंसर है, RAZIA is a young tigress. जो RAZIA है वो एक युवा फीमेल टाइगर है. शी हैज टू लिटल कब्स. उसके दो छोटे बच्चे हैं. हर मेल कंपेनियन शेरू हैज लेफ्ट हर. जो RAZIA का मेल साथी है यानी कि जो RAZIA का हस्बैंड है शेरू, वो उसे छोड़कर जा चुका है. नाउ RAZIA इज वरीड अबाउट हर टू कब्स. अब जबकि जो शेरू है वो जा चुका है तो RAZIA को अपने दोनों बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता है. शी कैन नॉट लीव देम अलोन एंड गो हंटिंग फॉर फूड. जो RAZIA है वो अपने दो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर भोजन के लिए शिकार करने नहीं जा सकती. हाइनाज कैन किल लिटल कब्स. जो हाइनाज हैं वो RAZIA के दो छोटे छोटे बच्चों को मार सकते हैं. सो फ्रेंड्स, हाइनास का मतलब क्या होता है? हाइनास जो होते हैं वो अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं. ये कुत्ते जैसे जंगली जानवर होते हैं जो लाशों का मांस खाते हैं और ह्यूमन बींग्स की हंसी की आवाज़ निकाल सकते हैं. शी इज़ ऑल्सो अफ्रेड ऑफ पोचर्स. जो RAZIA है उसे पोचर से भी डर है, वो पोचर से भी डरती है. पोचर्स क्या होते हैं? जो व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से शिकार करता है उसे हम कहते हैं पोचर्स. सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द थीम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम RAZIA the Tigress. RAZIA the Tigress पोएम का क्या थीम है और इसका क्या सेंट्रल आइडिया है? तो इसका आंसर है, दिस पोएम अंडरलाइंस द ग्रेव डेंजर टू वाइल्ड लाइफ पोज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. ये कविता हमें ये बताती है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगलों की तबाही के कारण, जंगलों के विनाश के कारण जो खतरा वाइल्ड लाइफ को होगा, जो खतरा जंगली जानवर को होगा, उस खतरे को ये पोएम अंडरलाइन करती है. मैन हैज़ ऑक्यूपाइड द लैंड रिलेटेड टू वाइल्ड एनिमल्स. जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो वाइल्ड एनिमल्स की जो लैंड है, जो ज़मीन है, उस पर कब्जा कर रहा है, उनकी ज़मीन को हड़प रहा है. इलीगल तरीके से वो जंगलों को काट कर वहाँ पर बिल्डिंग्स बना रहा है. नाउ द पुअर एनिमल्स हैव नो वेयर टू लिव. अब जो पुअर एनिमल्स हैं उनके पास कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो रह सके. दे लिव इन डेंजर ऑफ पोचर्स. जो एनिमल्स हैं वो पोचर्स के खतरे में रहते हैं यानी कि वो शिकार चोर के डर में रहते हैं.
सो फ्रेंड्स, ये जो पोएम है हमें यही बताना चाहती है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने फ़ायदे के लिए इलीगल तरीके से फॉरेस्ट की कटाई कर रहा है, जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको रहने का कोई स्थान नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो एक शिकार चोर के डर में रहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके अलावा सतगुरु इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है सतगुरु इंस्टीट्यूट के नाम से। आप टेलीग्राम पर सतगुरु इंस्टीट्यूट चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स की PDF और सभी चैप्टर्स की वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डज रजिया द टाइग्रेस लिव अलोन। जो रजिया थी टाइग्रेस, वो अकेली क्यों रहती है? तो इसका आंसर है द टाइग्रेस रजिया लिव्ड विद हर कंपेनियन शेरू। जो रजिया टाइग्रेस है वो पहले अपने साथी शेरू के साथ रहा करती थी। बट सून आफ्टर द बर्थ ऑफ द टू कब्स शेरू लेफ्ट हिम एंड ही हैज़ नॉट रिटर्न्ड। परंतु क्या होता है, जब उसके दो बच्चों का जन्म होता है तो उन बच्चों के जन्म के थोड़े समय बाद ही जो शेरू है वो अपनी पत्नी रजिया को छोड़कर चला जाता है और फिर वापस नहीं आया। दिस इज़ द रीज़न रजिया इज़ लिविंग अलोन विद हर टू कब्ज। यही कारण है कि जो रजिया है वो अपने दो छोटे बच्चों के साथ अकेली रह रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा सतगुरु इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल अकाउंट बना हुआ है। आप सतगुरु इंस्टीट्यूट को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज शेरूज एक्सपर्टीज। शेरू किस में एक्सपर्ट था? तो इसका आंसर है शेरू वाज वेरी गुड एट हंटिंग। जो शेरू था वो शिकार करने में बहुत ज़्यादा गुड था, यानी कि एक्सपर्ट था। ही हैड अ गुड नॉलेज ऑफ द विंड्स एंड देयर डायरेक्शंस। शेरू को हवाएं और उनकी दिशाओं के बारे में अच्छी जानकारी थी। उसे पता था कि किस दिशा में हवा आती है, किस दिशा में हवा जाती है, यानी हवाओं के आने जाने का रास्ता उसे अच्छे से पता था। He knew that he should protect himself from wind gust. वो अच्छे से जानता था कि उसे अपने आप को बहती हवा से कैसे बचाना है। वो ये जानता था कि उसे खुद को हवा की ऊपर वाली दिशा में रखना चाहिए, जिससे वो बहती हवा से बच सकता है। Thus, his smell could not reach the deer and he could easily reach them. इस तरीके से शेरू की गंध हिरनों तक नहीं पहुंचेगी और वो आसानी से उनका शिकार कर सकेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा सतगुरु इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का फेसबुक पेज बना हुआ है सतगुरु इंस्टीट्यूट ऑफिशियल के नाम से। आप इस फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन टू शेरू। शेरू को क्या हुआ? तो इसका आंसर है फॉरेस्टिज वर डिस्ट्रॉयड। जंगल नष्ट हो गए। देयर वॉज नॉट इनफ गेम फॉर शेरू। अब शेरू के लिए शिकार करने के लिए ज़्यादा जानवर नहीं बचे। इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू फाइंड फूड। अब शेरू के लिए भोजन ढूंढना मुश्किल हो गया। देयर वॉज ऑल्सो द डेंजर ऑफ पॉचर्स। इसके अलावा शिकार चोरों का भी बहुत ज़्यादा खतरा था। सो ही लेफ्ट द फॉरेस्ट। इसलिए उसने जंगल छोड़ दिया एंड वेंट एल्सवेयर, और कहीं और चला गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके अलावा सतगुरु इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का ट्विटर पर ऑफिशियल अकाउंट बना हुआ है। आप ट्विटर पर सतगुरु इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज रजिया'स फियर्स। रजिया को क्या डर है? तो इसका आंसर है रजियाज हैज टू स्मॉल कब्स। रजिया के दो छोटे छोटे बच्चे हैं। शी कैन नॉट लीव देम अलोन एंड गो ऑन अ हंट। वो अपने बच्चों को अकेला छोड़कर शिकार करने के लिए नहीं जा सकती है। हाइनास कैन कम एंड किल देम।
हाइनास उसके बच्चों को शिकारी कुत्तों के जैसे नोच कर खा सकते हैं। देन देयर इज ऑल्सो द फियर ऑफ पोचर्स, इसके अलावा शिकार चोरों का भी डर है। दे कैन कम विद देयर गन्स एंड किल देम ऑल, वो अपनी बंदूकों के साथ आ सकते हैं और सभी को मार सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स है वो कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम और फेसबुक किसी पर भी पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग सतगुरु इंस्टीट्यूट।